अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बेबी ड्रेसेस शेयर करने लगी हूँ और इसमें जो है डिफरेंट फ्रॉक है और इसके अलावा शर्ट है, कुर्ती डिज़ाइन है, जैकेट डिज़ाइन है। जो भी आप लोगों को इसमें से पसंद आए आप इसका स्क्रीनशॉट लें और खुद स्टिच कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना स्टिच करवाएँ। सबसे पहले जो है ये मैं आप लोगों के साथ फ्रॉक शेयर कर रही हूँ। नीचे जो है कंट्रास्ट में इसकी रफल बना के लगाई गई है, ऊपर लैस अटैच की गई है। स्लीव डिज़ाइन इसका कुछ इस तरह से है, यहाँ पर कटवर्क डिज़ाइन है और थोड़ा ऊपर लैस लगा के उसकी वो शाइनिंग बढ़ा दी है। नीचे टाई अटैच की गई है और ट्रायंगल्स, डबल ट्रायंगल कंट्रास्ट कपड़े में ली हैं और नेक लाइन पर नेक बनाई है। ये जो ड्रेस है ये कंट्रास्ट में भी है, वाइट है और ग्रे में है। इसमें जो है यहाँ से देखें इसके बाजू जो हैं पॉक बाजू हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, पहने हुए बहुत अच्छे लगे हैं बच्चे को। एक साइड पर टसल अटैच किया है, सेंटर में लैस लगाई है और इसकी मैं आप लोगों के साथ कटिंग स्टिचिंग शेयर करूँगी। नीचे जो पाइपिंग है उसको आप लोगों ने तरपाई कर लेनी है दोनों साइड से, और अगर सिलाई लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है अपनी। और नीचे मैंने फ्रॉक स्टाइल दी है इसको, लॉन्ग ऊपर वाला पार्ट लॉन्ग रखते हुए नीचे फ्रॉक स्टाइल दे दिया इस तरह से। ये देखें ऊपर ये सेपरेट है, ये गाउन शेप भी दे रहा है और फ्रॉक शेप भी है। और ये देखिए कितनी प्यारी फ्रॉक है। ये देखें इसके लिए ट्राउज़र डिज़ाइन है, ट्राउज़र डिज़ाइन है और इसके साथ नीचे जो है इसके लैस लगाई है और घेर इसका काफ़ी अच्छा खासा इसका फ्लेयर है। देखिए आप ये जो है शर्ट है, कुछ मैंने फ्रॉक शर्ट सिलाई किया, मैंने जैसे पहले बताया आपको, और कुछ मैंने कुर्तीज़ की सिलाई की है। ये कुर्ती जो है ये मैंने इनाया के लिए सिलाई की है, इसके ऊपर मैंने इनाया का नेम भी लिखा है। नीचे देखें रफल लगाई है, सेंटर में 4 थ्रेड लेने हैं, उन्हें फिरकी में आप लोगों ने भर लेने हैं। 4 धागों को इस तरह से करते हुए ज़िगज़ैग मैनर में सेंटर में सिलाइयाँ लगानी है इस तरह से, देखें आप लोग। और फिर जो अंदर बॉक्स है उनके अंदर अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिख दें, जो भी बच्ची का नेम है। मैंने तो इनाया का नेम लिखा है, इनाया मेरी बच्ची है, बहुत प्यारी सी, क्यूट सी, बहुत अच्छी। और ये भी मैंने इनाया के लिए सिलाई की है, और ये गुल्ले का भी है और इनाया का भी है, सेम ड्रेसेस सिलाई की हैं। मैं आप लोगों को पहने हुए भी ये बच्चों की पिक्चर्स आप अपलोड करूँगी। देखिए ऊपर मैंने जैकेट सिलाई की है, जैकेट के नीचे टसल लगाए हैं और नीचे से इसको बेबी पिको करवा लें। एक फ्रॉक के नीचे जो है एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच है और एक के नीचे जो है बेबी पिको की है। ये ट्राउज़र डिज़ाइन है, इसकी कटिंग स्टिचिंग ऑलरेडी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक कर दूँगी। और इसके स्लीव पर लैस लगाई गई है, टसल्स हैं और टसल जो है वो इसके अंदर ही रख के सिलाई किए गए हैं। ट्रायंगल्स बनाई गई हैं, 3 ट्रायंगल का फेस एक तरफ रखा गया है और ऊपर वाली जो ट्रायंगल है वो साइज में भी बड़ी है और उसका फेस भी ऑपोजिट साइड पर है इस तरह। देखें रेड और वाइट का कम्बिनेशन है इस ड्रेस में। लैस लगाई है, पिंडक्स डाली हैं, 4 पिंडक्स डाली गई हैं, फिर से लैस लगाई है और जॉइंट लैस है। जॉइंट लैस लगाने के बाद फिर ऊपर से एक और लैस लगा दी है, फिर से पिंडेक्स है और फिर से जॉइंट लैस और फिर से लैस, और सेम इसी तरह से स्लीव्स पर भी और नेक लाइन रेड की गई है। सिंपल सा भी है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। ये फ्रॉक डिज़ाइन जो है ये देखें नीचे जो है रफल रेडी की है, छोटी छोटी चुनट्स डाल के उसको अटैच कर दिया और ऊपर इसके लैस लगा के मोती लगाए हैं, थोड़ा थोड़ा गैप दे के। गैप अगर आप लोग नहीं देना चाहते, इधर आप लोग बटन लगा लें, गोली बटन लगा लें, कोई भी फैंसी आप लोग बटन यूज़ कर सकते हैं। ब्लू और वाइट का कम्बिनेशन देखें कितना प्यारा लग रहा है। एक एल शेप है, ऑपोजिट है और एक इस तरह से है, एक छोटा एल लिखा गया है, एक बड़ा एल लिख दिया।
पहले आप लोग इसे मार्क कर लें और फिर उसके ऊपर लेस लगा दें। इस पर कोई लेस नहीं लगाई, इसके ऊपर बॉर्डर अटैच किया गया है और ऊपर भी पाइपिंग उसी कलर में सेम दी गई है, सेंटर में लगाया है और प्लेन फैब्रिक है। ये भी फ्रॉक है और ये इस पर जो प्लेट्स डाली गई हैं ये बॉक्स प्लेट है और 3 बॉक्स प्लेट फ्रंट साइड पर और बैक साइड भी सेम इसी मेथड से बनाई गई हैं। 3 बॉक्स प्लेट डाल दी गई हैं, सेंटर में पट्टी लगाकर ऊपर बटन लगा दिए गए हैं बॉक्स प्लेट के ऊपर। बाकी सिंपल तरीके से वैसे जैसे स्टिचिंग होती है सिंपल स्टिच कर दिया इसको। ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी में है, इधर सिंपल कपड़ा डाला गया है क्योंकि बेबीज़ ने पहनना होता है तो उनके लिए कंफर्टेबल भी होना चाहिए। और इसी तरह स्लीव भी सिंपल है, सेंटर में एम्ब्रॉयडरी है और उसकी मेजरमेंट आप लोग देख लें अपने मुताबिक, फिटिंग के मुताबिक। नीचे जो है प्लेट्स डाली हैं इसके और खुला घेर रख दिया। ये ड्रेस अगर आप लोग इसे छोटा बड़ा अपनी मर्जी से अपने साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं। देखें बटन लगा दिए, बटन पट्टी बनाई है, बटन लगाए हैं, ऊपर टाई अटैच की है, बटरफ्लाई बनाई है, बटरफ्लाई के ऊपर भी एक बटन मैंने लगा दिया है। कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं और सेम फैब्रिक पर भी यूज़ हो सकता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी फ्रॉक और कौन सी शर्ट पसंद आई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।